खबर बीकानेर से, जहां पर गंगा शहर पुलिस थानाधिकारी को सस्पेंड करने की मांग को लेकर के कांग्रेस नेता सहित कई लोगों ने गंगा शहर पुलिस थाने का घेराव किया। लोकसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाराम सियाग ने बताया कि 10 दिन पहले मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें खेत में काम करने वाले 3 किसानों को यहां पर मुलजिम बनाकर रखा गया था। इस बारे में जब प्रतिनिधिमंडल थानाधिकारी से बात करने आए तो बातचीत के दौरान थानाधिकारी सुभाष बिजरणिया ने प्रतिनिधि मंडल से बदतमीजी की, जिसे आहत होकर के मंडल को मजबूरन थाने का घेराव करके प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा। साथ में उन्होंने थानाधिकारी को सस्पेंड नहीं किए जाने तक घेराव जारी रखने की चेतावनी दी है। प्रतिनिधि मंडल में आए थे, नेता प्रमुख साहब के प्रतिनिधि थे, अक्कासर सरपंच साहब थे, लालन देसर सरपंच साहब थे, रुद्रामसर सरपंच साहब, पलाना सरपंच साहब, 5-7 प्रतिनिधि मंडल यहाँ इनसे बात करने के लिए आए थे। एक कोई मुकदमा था जिसमें 3 लोगों को नगर फंसा दिया था, मारपीट का मुकदमा था, और हम बात करने के लिए आए थे कि वो किसानों के लड़के हैं, वो खेती का काम करते हैं। उनका देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।